तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय जैक ब्लॉग्स। एंड काफ़ी दिनों बाद और आज हम जा रहे हैं टूर में। चित्रकूट मध्य प्रदेश में है जो कि हमारे, एंड मैं निकल पड़ा हूँ। सुबह के 4 बजे हैं, अभी देख सकते हो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, मेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा होगा अच्छे से। एंड अभी हमारी गाड़ी आ चुकी है और गाइस बस अब आपको आगे दिखाते हैं, बाकी सब गाड़ी के पास पहुँच जाएँ। तो गाइस गाड़ी आ चुकी है हमारी और हम निकलने वाले हैं चित्रकूट के लिए, सब भाई लोग हैं। तो चलो यार चलते हैं। दूध के तलाए यो भाई गुरु, दूध तो भूल गए यार घर में। ए मादल तो धार पकड़ने वाला दूध के। तो गाइस रीवा से चित्रकूट के लिए निकल चुके हैं एंड पहुंचने वाले हैं सपना। हाय आराम को। हाय हाय कर रहे हैं। क्या बढ़िया था गुरु। तो गाइस पहुंच चुके हैं चित्रकूट और रामघाट की ओर बढ़ रहे हैं। अभी जाएंगे नहाएंगे और चीनू को नंगा नहलाएंगे। हाँ मेरी जान। तो गाइस भाई माता हो रहा है यार, बनने दो, हल्ला नहीं करो। तो गाइस रुको, रामघाट पहुंच चुके हैं और चीनू हमारा नंगा नहलाएगा ना। चीनू क्या कहते हैं, नितिन पिंसुक साहब बहुत खुश है, बहुत प्यार है। तो गाइस यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, नाव में बैठकर घूमने जाते हैं इधर उधर। क्या रेट है भैया नाव का? एक लोग का 60 रुपए लेते हैं, 30 रुपए जाने का, 30 रुपए आने का। तो गाइस एक लोग का 60 रुपए लेते हैं नाव में घुमाने का, जाने वाला कोई नहीं। एंड अभी तो हम लोग नाव का सफर नहीं करेंगे। तो गाइस ये है हमारी मंदाकिनी नदी रामघाट में, जो कि गाइस चारों तरफ देख सकते हो आप लोग, मार्केट टाइप का। एंड आप यहाँ पे नहा सकते हो और काफी ज्यादा टेम्पल्स भी है यहाँ पे। भाई सब रामघाट में स्नान करेंगे हम सभी और चीनू हमारा कपड़ा उतार चुका है, देख सकते हैं। और मंदाकिनी नदी है ये। चलिए बढ़िया, पाल भैया कूदिए, एक बार ड्राइव मारिए। चलिए गाइस नहाते हैं, बहुत मजा आएगा, शूटिंग करेंगे, फोटो शूट करेंगे। और दो टन नंगे उतर चुके हैं वो देखिए, वो देखिए गाइस उस पार चले गए हैं ये तैर के, और फोटोग्राफर फोटोग्राफी कर रहा है उस पार की। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोगों ने स्नान कर लिया है सभी ने, और अब जाएंगे सभी मंदिर दर्शन करने। तो देखते हैं कौन कौन सी मंदिर है, सभी घूमेंगे। और यहाँ का व्यू तो बहुत बढ़िया है चारों तरफ का। तो चलिए आगे मिलते हैं गाइस। ये हो गई हमारी भारत माता मंदिर, काफी बढ़िया मंदिर बनाया गया है ये भी। राम मंदिर और ये हमारे चित्रकूट रामघाट में है, कितना प्यारा मंदिर बनाया गया है। गाइस ये है हमारे श्री राम बैठक, हाँ चित्रकूट में रामघाट में यहाँ पे बैठे थे। और ये है राम मंदिर। तो हम कामतानाथ टेम्पल आ चुके हैं, यहाँ हम सभी परिक्रमा करेंगे अभी मंदिर में दर्शन करने के बाद। तो गाइस कामतानाथ मंदिर हम लोग पहुँच चुके हैं, बस अंदर कैमरा अलाउ हो, बहुत मज़ा आ जाएगा। तो गाइस फाइनली कामतानाथ टेम्पल पहुँच चुके हैं, जो कि चित्रकूट में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। एंड गाइस यहीं पर राम जी ने वनवास किया था, ये हमारे मध्य प्रदेश में एंड चित्रकूट में। और गाइस यहाँ पे हमें 5 किलोमीटर का परिक्रमा करना पड़ता है, अभी परिक्रमा की वीडियो आपको दिखाएंगे। एंड गाइस
परिक्रमा के दौरान काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स हैं एंड सभी देवी देवताएं हैं। तो गाइस चलिए आपको दिखाते हैं। कांच मंदिर है। तो गाइस कामतानाथ परिक्रमा में ये बीच में आप लोग प्रसाद भी ले सकते हैं, लपटा लपटी हो गए गाइस ये। तो गाइस यहाँ पे कामतानाथ परिक्रमा के बीच में आपको अश्वगंधा एंड जड़ी बूटियाँ भी मिल जाएंगी हर प्रकार की। श्री राम जानकी महल मंदिर गाइस आ चुके हैं। तो गाइस इस परिक्रमा के दौरान आपको सभी वस्तुएं मिल जाएंगी एंड देख सकते हो आप लोग पूरा जंगल एरिया है, बट यहाँ पे सेफ्टी भी बहुत है। इस परिक्रमा के दौरान हमें एक रोड मिल जाती है एंड पर्वत के चारों तरफ घूमने के लिए, और यहाँ से हमारा परिक्रमा पूर्ण होता है। गाइस श्री राम भक्त बैठे हैं, देख वे प्रिंसु कौन बैठा है, देख पैर के पास। अब भागा नहीं भैया, नहीं 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 कुछ नहीं कर रहे। साक्षी गोपाल मंदिर गाइस साक्षी मंदिर के पीछे का व्यू एंड पूरा जंगल एरिया इधर पे। अभी तो बहुत सारी जगह घूमने जाना है। इस हनुमान धारा जा रहे हैं रामा धार के साथ। भाई भी है अपने साथ। यस गाइस पहुंच चुके हैं हनुमान धारा। यहीं पे हनुमान जी ने अपनी पूंछ पर लगी आग को शांत किया था। तो गाइस ये हनुमान धारा के सबसे ऊपर है, हम 750 सीढ़ी चढ़कर ऊपर आए हैं ना, और गिने नहीं है लेकिन है इतनी, और चाचा के पास आएंगे तो समोसा फ्री मिलेगा। तो गाइस हम सपातिक शिला पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कौवे ने सीता माता के पैर पर चोंच मारी थी। नहीं लग रहा पैर टाइप का, ये पैर टाइप का नहीं लग रहा है, उधर से एकदम पंजा उधर टाइप से। ये पैर है क्या गाइस? देख सकते हैं यहाँ मंदिर के अंदर दीवारों में चित्र बनाया गया है एंड सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे क्या क्या कैसे हुआ था एंड काफ़ी बढ़िया दर्शाया गया है हर चीज़ को, जो कि गाइस हमारे रामायण में हुआ है। एंड देख सकते हैं ये गाइस इस प्रकार से कौवे ने चोंच मारी थी जब किनारे पे बैठे थे हमारे राम और सीता जी। इधर भी देख सकते हैं एक टंबू भाई देना दे दे आओ ले ले आंटी ले जाइए वो नाच खा रहा है वो ले जाइए आएगा तो फिर दे दी। तो यहाँ का काफी ज्यादा मजा आया यहाँ भी सप्तिता शिला में एंड बस अभी हम सभी को जाना है एक और मंदिर को, क्या नाम है
सती अनुसुईया मंदिर। तो गाइस सती अनुसुईया मंदिर जाना है अभी हम सभी को, तो चलिए निकल पड़ते हैं यहाँ से। और काफी ज्यादा मजा आया यहाँ। अक्कू का साला छोटा सा भोग 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 भोग। तो गाइस सती अनुसुईया आ गए हैं फाइनली, एंड फाइनल मार्ग है हमारा मंदिर का। गाइस ये है नेवला, फिलहाल सांपों को खाता है ये। तो गाइस अब तक का सबसे बड़ा मार्केट हमें सती अनुसुईया में मिला, देख सकते हो आप लोग। इस बार से हमारा यहीं तक का सफर था माता अनुसुईया में, पूरा हमने दर्शन कर लिया, काफी बढ़िया टेंपल था एंड काफी ज्यादा मजा आया अंदर कई